हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज वन्ना। तो आज मैं आप सबके साथ मेरे खादी के पांच मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। वैसे मेरे पास खादी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट इनमें से मुझे सिर्फ ये पांच ज्यादा पसंद है। अगर फ्यूचर में कोई मैं खादी का नया प्रोडक्ट परचेज करूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं डेफिनेटली आप सबके साथ वो शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं ये खादी के प्रोडक्ट कौन कौन से। इनमें आपको हेयर के मिलेंगे, फेस के लिए भी मिलेंगे और बॉडी के लिए भी मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग गाइज, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कर देना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब दिखा हुआ बटन होगा, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए अब बातें कम करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फर्स्ट कम फर्स्ट गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे खादी हब्स का हर्बल 24 कैरेट गोल्ड इंस्टा ग्लो नाइट सीरम। ये एक नाइट सीरम है और गोल्ड नाइट सीरम है, इसमें पैराबेन बिल्कुल नहीं है और ये पीएच लेवल हमारी जो स्किन का फेस का पीएच लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। जैसे आप लोग भी बहुत सारे रिव्यू सुनते हैं, वैसे भी मैंने इसके बहुत अच्छे खासे रिव्यू सुने थे और इसके बाद में एक बार इसे ट्राई करना चाहती थी। तो ये जो हमारी स्किन होती है उसकी इलास्टिसिटी को बहुत ही अच्छी खासे मेंटेन करता है, हमारे स्कार्स को स्पॉट्स को फेड अवे करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को लाइट करता है, कॉम्प्लेक्शन को बूस्ट करता है और हमारे सेल को रिजुवेंट और रिपेयर करता है। ये नाइट सीरम है, यानी हम पूरे दिन बाहर घूमते हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो ऐसे में ये नाइट सीरम हमारी स्किन को रिपेयर करता है, रिजुवेंट करता है। मुझे इसकी जो बात अच्छी नहीं लगी है, थोड़ा सा वॉटरी सीरम है और मैंने इसे यूज़ कर लिया है और इसके बाद मैं आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पर आपके फेस पर आपको रिजल्ट दिखेगा, बट आपको इसे कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसमें गोल्डस्ट है, चंदन है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी ऐड की गई है जिसके बारे में मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। बहुत ही अच्छी खासी आयुर्वेदिक चीज़ें ऐड की गई है। इसकी प्राइस है 999 रुपीज़ और आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर गोल्ड डस्ट आपको मिलेगा। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम फेस के लिए बात करें तो ऑब्वियसली हम सनस्क्रीन को तो भूल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खादी हब्स का हर्बल लोशन सनस्क्रीन विथ SPF 40। चाहे कोई भी सीजन हो, मॉनसून, समर या तो विंटर, हमें सनस्क्रीन तो अप्लाई करना ही होता है। बट जब मैंने इसे परचेज किया था और उसके बाद जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो ये जो सनस्क्रीन लोशन है ये आपके चेहरे पर जितना भी थोड़ा बहुत मेकअप रह जाता है या तो डर्ट होती है उसको भी रिमूव करता है, यानी ये क्लींजिंग का भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्लींजिंग का काम करेगा, बट आप जब कड़ी धूप में, तेज़ धूप में बाहर जाते हो तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि इसमें SPF 40 भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मुझे इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी पसंद आए, क्योंकि जनरली जो सनस्क्रीन लोशन होते हैं उसमें बहुत खासे केमिकल्स यूज़ किए गए होते हैं, बट इसमें आपको एप्पल और एप्रिकोट जैसे ऐसी चीज़ें मिलेगी जो हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज और सॉफ्ट बनाएगी। साथ ही साथ इसमें जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल जैसे वाइटमिन ए और वाइटमिन ई से भरे भी ऐसी चीज़ें यूज़ की गई है जो हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाएगी। और इसकी प्राइस सिर्फ 999 रुपीज़, बट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आपको उसमें बहुत ही अच्छी खासी ऑफर में कम प्राइस में सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो गाइस, अब मैं खादी के जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है खादी का, वो है आलमंड एंड सेफ्रन बॉडी लोशन। ये हर्बल लोशन है, इसमें भी आपको पैराबिन फ्री मिलेगा, साथ ही साथ पीएच को मेंटेन करता है। तो गाइस, लिटरली आपको ऐसा लगेगा जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि इसमें सेफ्रन कूट कूट के भरा है, क्योंकि इसमें सेफ्रन की इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। ये बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन है और विंटर में आपको एक बार तो इसे ट्राई करना ही चाहिए, चाहे आपने कोई भी बॉडी लोशन यूज़ किए। अगर आपने आलमंड एंड सेफ्रन बॉडी लोशन खादी का यूज़ नहीं किया है तो गाइस लिटरली आप ये मिस कर रहे हो, तो आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। इसमें ऐसे बहुत सारे अच्छे चीज़ें भी यूज़ किए, जैसे कि आलमंड मिल्क, आलमंड ऑयल, शिया बटर, सनफ्लावर, वीट जम, सेफ्रन, एलोवेरा, फेनुग्रीक, वेजिटेबल ऑयल, बटर, ग्लिसिन, बहुत ही अच्छे चीज़ें यूज़ की गई है और ये हमारी बॉडी को बहुत ही सिल्की स्मूथ बनाएगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को नरिश करेगा। और इसकी प्राइस जस्ट 270 रुपीज़। और गाइस, विंटर में जब हमारी स्किन ड्राई होती है तब हम अलग अलग तरीके के बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, फिर भी हमारी जो स्किन होती है फटी की फटी ही होती है। तो एक बार ही आप आलमंड एंड सेफ्रन बॉडी लोशन ट्राई कीजिए। सो गाइस, यहाँ पर हमने बॉडी लोशन के बारे में, यहाँ पर हमने सीरम के बारे में और सनस्क्रीन के बारे में बात कर ली, बट
एक हमारे पास अच्छा क्लींजर भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें क्लींजर की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि फेस अगर अच्छे से क्लीन होगा तो ही हमारा फेस का जो ग्लो होगा वो मेंटेन होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ खादी हर्बल फेशियल क्लींजर विथ ट्री एंड लेमन। वैसे तो ये जो प्रोडक्ट है वो समर में हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे समर में हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, और ऑयली स्किन वालों को डेफिनेटली एक बार तो इसे यूज़ करना चाहिए। अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो एक बार गाइस इसे आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इसकी प्राइस इज जस्ट 175 रुपीज, और इतनी बड़ी बोतल आपको यहाँ पर मिलेगी। और आई थिंक ये जो क्लींजर है उसकी आपको थोड़ी सी ही क्वांटिटी चाहिए, और आराम से ये 2 से 3 महीना आराम से ये चल जाएगा। तो 175 रुपीज इसकी जो प्राइस है वो बराबर है। तो ये जो क्लींजर है उसमें आपको लेमन एक्सट्रैक्ट और नीम और टी ट्री जैसे जो हमारी स्किन को अच्छे से क्लीन करते हैं ऐसी चीज़ें भी मिलेगी। ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन करता है, सारे पोल्यूशन को, डर्ट को, सारी इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालता है, और हमारे फेस पर अच्छा खासा ग्लो लाता है। सो गाइस, मैंने कभी खादी का जो हर्बल शैम्पू ट्राई नहीं किया था, स्पेशली जो आंवला एंड भृंगराज वाला, तो मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे परचेज किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने इसे 4 से 5 बार यूज़ कर लिया है। तो मैं देखना चाहती थी कि एक्चुअली आंवला एंड भृंगराज शैम्पू एक्चुअली हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों को हेल्दी बनाता है या नहीं, क्योंकि विंटर में हम कितना भी हेयर केयर करते हैं हमारे बाल थोड़े बहुत तो झड़ते ही सीजन की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें रीठा, भृंगराज, रीतिका, आंवला, हीना, नीम, ग्लिसरीन जैसी चीज़ें यूज़ की गई है, और ये अच्छा है। अगर आप आयुर्वेदिक कोई भी शैम्पू परचेज करना चाहते हो, आपको जो केमिकल वाले शैम्पू अच्छे नहीं लगते, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। हाँ, इसने मेरे थोड़े बहुत हेयर फॉल को कंट्रोल किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया है। अगर आपको हेल्दी बाल चाहिए तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, 270 रुपीज़, और इसका जो शैम्पू है थोड़ा ठीक है, तो आप आराम से ये 2 से 2.5 महीना आराम से चल जाएगा। तो आज जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई खादी की, तो सारे प्रोडक्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अगर आपको मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया हो खादी का होल का, मेरे खादी के सबसे फेवरेट प्रोडक्ट का, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।